नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रे मैटर्स के अंदर। और हमारे इस चैनल पे मैं आपके लिए टेक और टेलीग्राम से रिलेटेड काफी यूजफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल ग्रे मैटर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें हमारे फ्यूचर में ऐसी और भी शानदार वीडियोज के लिए। हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने ईमेल मार्केटिंग के काम को पाइथन की मदद से कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपको कोडिंग और पाइथन नहीं आती है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी कोडिंग नहीं करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक YouTube वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि आप बल्क में ईमेल्स कैसे सेंड कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को यहाँ पे देखना है और इस वीडियो के अंदर एक पार्ट है ऐप पासवर्ड का। आपको वहाँ से अपना जीमेल अकाउंट का एक ऐप पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो कि मेन होगा। इसके बाद आपको इस GitHub रिपोजिटरी पे जाना है। इस GitHub रिपोजिटरी पे जाके आपको यहाँ पे कोड के ऊपर क्लिक करके इसकी zip फाइल को डाउनलोड कर लेना है अपने लैपटॉप के अंदर। फिर उसके बाद आपको अपने लैपटॉप के अंदर पाइथन इंस्टॉल कर लेना है इस वेबसाइट के ऊपर से। फिर इसके बाद आपको इस zip फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। zip फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको इस फोल्डर को ओपन करना है और इस फोल्डर पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फाइल मिलेगी इंपोर्टेंट के नाम से, जो कि एक टेक्स्ट फाइल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना वो ईमेल एड्रेस डालना है जो ईमेल एड्रेस आप यूज करना चाहते हैं ईमेल सेंड करने के लिए। ईमेल और आपका ऐप पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद आपको कंट्रोल प्लस एस की का यूज करना है और इस टेक्स्ट फाइल को सेव कर देना है। फिर उसके बाद आप इस टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक और फाइल मिलेगी जो कि एक ईमेल के नाम से एक एक्सेल फाइल है। इस एक्सेल फाइल को आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एडिटिंग को एनेबल कर देना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बल्क में ईमेल्स को डालना है जिन ईमेल्स के ऊपर आप मेल्स को सेंड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके अंदर यहाँ पे दो ईमेल एड्रेस सेव कर दिए हैं। आप चाहें कितने भी ईमेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं जिनके ऊपर आप मेल को भेजना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप कंट्रोल प्लस एस की का अगेन यूज़ करना है और इस फाइल को यहाँ पे सेव कर देना है। फिर उसके बाद आप इसे यहाँ पे क्लोज कर दें। फिर उसके बाद आपको इस फोल्डर के पाथ पे ऊपर आना है और यहाँ पे टाइप करना है CMD और एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। फिर सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाली कमांड देनी है pip install requirements.txt और एंटर प्रेस कर देना है। इससे हमारी जो जितनी भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होंगी वो हमारे PC के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाली कमांड देनी है और एंटर प्रेस कर देना है। इससे हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह का दिखता है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आप मेल्स को सिंपली सेंड करते हैं ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे सेंड करना है। जिस सबसे पहले आपको जिस यूजर के पास मेल को भेजना है उसकी मेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। फिर उसके बाद आपको अपना यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट डालने के बाद आपको अपना मैसेज यहाँ पे डालना है जो कि आप भेजना चाहते हैं। फिर सिंपली आपको सेंड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हमारा जो मेल होगा वो कुछ सेकंड के अंदर सेंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें नोटिफिकेशन आ चुकी है कि हमारा मेल सेंड हो चुका है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ कि हमें यहाँ पे मेल आया या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे मेल आ चुका है। यहाँ पे हमारा वही सब्जेक्ट है जो मैंने डाला था और हमारा कंटेंट भी इसके अंदर वही है जो मैंने डाला था। अब ये तो था इजी स्टेप जिसको आप किसी भी ऐप से खुद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं अपने दूसरे स्टेप को जो कि है बल्क में ईमेल्स को सेंड करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको क्लियर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ब्राउज के ऊपर जाकर हमने जो अपनी फाइल बनाई थी एक्सेल फाइल, आपको उस एक्सेल फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपके मेल्स हैं बल्क में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फाइल सेलेक्ट हो चुकी है और इसके अंदर दो ईमेल्स थे तो यहाँ पे दो टोटल दिखा दिए इसने कि दो मेल यहाँ पे डिटेक्ट हो चुके हैं। फिर उसके बाद अगेन आपको अपना सिंपल यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है और मैसेज डालना है। तो यहाँ पे मैंने अपना सब्जेक्ट फिल कर दिया है अगेन और अपना यहाँ पे मैसेज भी टाइप कर दिया है। तो जो लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक जनरेट कर सकते हैं। लिंक जनरेट करके आप उस लिंक को अपने इस मेल के अंदर डाल सकते हैं और फिर उसके बाद आपको सिंपली सेंड के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने एक मैसेज को सेंड कर दिया है और अभी एक बाकी है। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों मेल सेंड हो चुके हैं, नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो चलिए हम अपने इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमें मेल पहुँचे हैं या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे को मेल आ चुका है और इसके अंदर जो मैंने YouTube वीडियो का लिंक डाला था वो भी यहाँ से आ चुका है। मैं यहाँ पे अपना दूसरा मेल चेक करता हूँ और इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे को दूसरे मेल के ऊपर भी मेल आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप पाइथन सॉफ्टवेयर का बिना कोडिंग करे इस्तेमाल करके बल्क में ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं वो भी फ्री में।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी इस वीडियो को एक यहाँ पे लाइक ज़रूर देना, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाई है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर करें।